हाय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम से। कुछ टूल्स अभी मैंने अपने लिए बुलाया है, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। हो सकता है ये आपके पास हो, मुझे कमेंट करके बताना इसमें से कौन कौन से टूल आपके पास है। और ये बहुत थोड़े से टूल हैं। सबसे पहले आईसून का एक यहाँ पर हमने SMD बुलवाया है और ये है H310D। तो इसको हम अनबॉक्स करेंगे, पर इसको पहले नीचे रख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। तो एक यहाँ पर हमने AD का बूट, आई बूट केबल AD मैक्स, और ये अभी लेटेस्ट है और इसमें 15 आपके आईफोन 15 तक का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों हैं बूट केबल। और इसके अंदर जो आईफोन है वो आपको येलो में, ब्लू में मिलेगा, और इसमें 5 से लेकर 15 तक है और बाकी तो आपको नॉर्मल मिल ही रहे। तो इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बुलाया है एक फ़ैन मैकेनिक का, जो 2UL का फ़ैन है ना दोस्तों, उसके जो RPM है वो काफ़ी कम होता है, बहुत स्पीड उसकी कम है, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम देखेंगे इस फ़ैन में, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उससे हैवी फ़ैन है 2UL से। दूसरा इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ LEDs भी यूज़ हुई हैं और इसके अंदर UV भी है, तो UV लाइट भी है इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे फ़ैन का है, दिखाइए पीछे थोड़ा सा, यहाँ दिखाइए, देखिए यहाँ पर दबाने से ये फ़ैन चालू हो जाता है, यहाँ दबाने से ये UV हो जाता है, ये देखिए, नोटिस करना। अभी इसमें मैं थोड़ा सा चार्जर लगा देता हूँ, तो यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये चार्जर लगा दिया, ये दबाने जब भी हम ये इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये यूवी का इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। और ये स्पीड को कम ज़्यादा करने में, जो फ़ैन की स्पीड है उसको कम ज़्यादा करता है, और यहाँ से फ़ैन चलता है। ये हमने फ़ैन चलाया और हम इसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। और कितना स्पीड है इसमें, जो 2UL का था उसकी स्पीड बहुत ही कम थी, तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा, कितना स्पीड है इसके अंदर, ये देखिए, बहुत ही स्पीड है, आपको आवाज़ ही आ रही होगी स्पीड की, ये दिखाई दे रहा है। तो ये यूवी का भी इफ़ेक्ट देगा, ये आप देख सकते हैं। तो मल्टी एक पर्पज़ के लिए ये है। और मैकेनिक का, इसका फ़ैन का, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको जो डीलर है वो सजेस्ट कर दूंगा और कमेंट में बता दूंगा, आप उनसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक मैंने 2UL का माइक्रोजिक यहाँ पे IC होल्डर लिया है, हालांकि मेरे पास है और मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास में कौन कौन सा है। तो एक ये है और एक अब मेरे पास इससे भी छोटा आ गया 2UL का, तो ये वाला नोटिस करना और ये वाले में, आप मुझे बताओ आपके पास इसमें से कौन सा वाला है, कमेंट करके बताइए। और 2UL का माइक्रोजेक काफ़ी छोटा सा है, यहाँ पर IC क्लीन करने के लिए यहाँ नॉर्मल, और काफ़ी हल्का है, ये थोड़ा सा भारी था, और ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा बेस्ट ही है। अब देखेंगे इसमें वर्क करके केस में हमें क्या सुविधा मिलती है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं टिप क्लीनर, जो आपके RN होते हैं, ये देखिए, ये जो RN होती है इसकी जो ये टिप्स होती है, इसके ऊपर जो ये काला काला दिखाई देता है ना, ये बेसिकली कार्बन होता है और ये रस्टिंग जैसे होती है, तो ये इसी की वजह से ICU क्लीन नहीं हो पाती है, इसको गंदगी भी बोल सकते हैं आप। तो उसको क्लीन करने के लिए टिप क्लीनर है और काफ़ी अच्छा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए। अब इसके अंदर कैसा है हमें यहाँ दिखाइए, बस थोड़ा सा इसको डिप करना होता है, ये देखिए, और देखिए ये कितना चमक गया, नोटिस करो प्रैक्टिकली आपके सामने, ये देखो ये जो ऊपर का है कितना साइन हो गया। तो टिप क्लीनर से आपकी जो बिट है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद ये सब मैंने अपने लिए बुलाया है और यूज़ होता रहता है। एक देखिए ट्विजर है, तो ये IC के लिए हमने ट्विजर खास तौर पे बुलाया है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका आप सेफ देखिए कितना बढ़िया है, तो IC को उठाने के लिए, तो ये IC को उठाने के लिए IC को होल्ड करके, और IC को रिबोलिंग के टाइम पे जब हम स्टेंसिल के ऊपर रखते हैं तो ये उसके लिए है। और
बकायदा यहाँ से हम इसको कुछ कॉम्पोनेंट भी उठा सकते हैं और यहाँ से हम होल्ड भी कर सकते हैं, तो दोनों ये काम कर लेगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रिलाइफ का मॉडल नंबर ये है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। रिलाइफ का मॉडल नंबर ये है, ST20 ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने एक ब्रश बुलवाया है, दिखाइए। तो ये ब्रश मैकेनिक का ब्रश है, मदरबोर्ड ग्लू रिमूवर ब्रश बोलते हैं उसको, तो ग्लू को रिमूव करने के लिए है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए ये ब्रश है, ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मिड ब्रश बोल सकते हैं। जो ब्रश आपके हाथ में चल जाए वो ये समझ लो कि हार्ड नहीं है, और ये स्टील ब्रश नहीं है, नॉर्मल ब्रश है पर काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़रा भी स्पेस नहीं है, और ये ग्लू को अंदर से खींच के बाहर निकालेगा। बस थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैंडल काफ़ी अच्छा है और यहाँ से ये निकल जाता है, इस हैंडल का यूज़ आप कर सकते हो दूसरे किसी में भी, ठीक है। काफ़ी पतला है और एक सिंक से जैसे है, हीट नहीं होगा ये। इसके अलावा हमने एक मा एंड का USB और टाइप सी, हमने जो USB का टेस्टिंग डिवाइस होता है वो हमने बुलाया है। ये देखिए ये बहुत बेस्ट है। अभी कैसा है ना, लोग कहते हैं कि जम्पर वायर जो आपके चार्जिंग केबल है उसकी वायर को काट लेंगे, उससे बना लेंगे। खैर वो तो देखो, लोग तो चाहते ही हैं कि मर्सिडीज़ का टायर निकाल, मारुति को मर्सिडीज़ बनाना चाहते हैं, तो वो आदत है। पर मारुति मारुति रहेगी, मर्सिडीज़ कभी नहीं हो सकती। देखो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DPDM CCA और CC, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक हो जाएंगी। अभी और माफ़ी चाहूँगा, इतने सारे कॉल हमारे को, इतने कॉल आते हैं और हमारा जो वीडियो बना रहे हैं उनको इतने कॉल आते हैं, और एडमिशन चाहिए इतने कॉल आते हैं, और हम सबको एडमिशन देते नहीं है, प्रॉब्लम ही है। तो और हमने कोई कॉल वाले, हमने आंटी भी नहीं रखी है कॉल वाली आंटी होती तो वो उठा लेती, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका सारा 12-12 पिन के हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन दिया है, VCC, DM, DP, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहीं से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको iPhone का कनेक्शन मिल जाएगा। एक हमने ब्रश और बुलवाया है, दिखाइए यहाँ पर। ये 2UL का ब्रश है, ये डबल साइडेड ब्रश है और दोनों में एक ही जैसा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा पहना है, आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल ब्रश जैसा है, तो ये भी ग्लू के लिए है। और इसके अलावा हमने एक कंपनी है, तो ये चाइनीज़ कंपनी है, LWK1 इसका मॉडल है, हमने ये भी बुलाई है, ठीक है। तो इसमें आपको एक हैंडल मिल जाता है, ये देखिए हैंडल थोड़ा सा भारी है पर अच्छा लग रहा है पकड़ने में, और एक सॉफ्ट आपको कवर मिल जाता है। कुछ इस तरह से ब्लेड है, जैसे आप देख सकते हैं, ये साइड ग्लू काटने के लिए है, ये IC उठाने के लिए है, और ये एक ब्लेड दिया है, और ये आप देख सकते हैं छोटा सा एक शार्प ब्लेड। तो ये एक मॉडिफाइड ब्लेड है, आपको इसको किसी भी हाल में शार्प, मतलब जब हम बोलते हैं कि ब्लेड को पहले थोड़ा घिस लो, है ना, साइन पेपर में, तो उसको घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल लगा मुझे, तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने ये टूल लिया है। अब देखेंगे इसकी क्या क्वालिटी है और कैसा ये वर्क कर रहा है। चलिए अब एक लास्ट एक और टूल मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको जल्दी से SMD मशीन बताऊंगा। ये है आपकी एक USB फास्ट चार्जिंग टेस्टर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, ये थोड़ा सा महंगा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये आपका USB टेस्टर है, किसी भी मोबाइल में आप इसको USB टेस्टर के रूप में चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। हमें करना क्या होगा, हम इसको टाइप सी के हिसाब से भी चला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ही ऑन हो गया है, और इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बीबस है, यहाँ आप देख सकते हैं एम्पियर है, और यहाँ पर वाट है, उसके नीचे आपको डाटा प्लस डाटा माइनस दिखाई देगा, और यहाँ से आप इसको मोड को चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ये देखिए स्टार्ट लिमिट यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप इसको PC से कनेक्ट भी कर सकते हैं,
ये आपका जो डिस्प्ले यहाँ दिखाई दे रहा है वो ही डिस्प्ले आपका पीसीबी में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखा है पीसी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा। जैसे और ये पीडी को हम ऑन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी एक मुझे सही चीज़ लगा ये, और ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और ये वीडियो मैं आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा मुझे लगता है, और क्योंकि हम मॉनिटर पे अपना डिस्प्ले देख सकते हैं इस पर। तो इसको ओपन करता हूँ जल्दी से, नोटिस करो, ठीक है। तो थोड़ा सा दम लगता है आजकल, यहाँ दिखाइए। तो देखिए इसमें ये आपकी नोजल दी हैं, नोजल का डिजाइन कुछ अलग है इनका, काफी यूनिक लगा मुझे। तो 10 mm तक यहाँ पे नोजल इन्होंने दी हुई है। एक हैंडल यहाँ पर अलग से दिया है। ये मशीन कितने की है ये मुझसे मत पूछिएगा, ये आप पूछिएगा जो बेचते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इस मशीन को भी मैंने टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, हैंडल भी काफ़ी यूनिक है, पतला है, और ये आपकी मशीन है। एक बार इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा इसके अंदर किस तरह का डिस्प्ले और किस तरह का फीचर दिया हुआ है। आप देख लो मेरे पास कितनी SMD है, दिखाइए यहाँ से थोड़ा पास आके दिखाइए। तो मैं ये भी यूज़ करता हूँ, मैं 865 भी यूज़ करता हूँ, और आईफोन के अंदर मैं अब ये यूज़ करता हूँ, सुगुन 858D+ अब जैसा नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है इसका, एक स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले है। ये आपके इसके चैनल्स हैं, जिसमें ये चैनल ऑलरेडी पहले से प्री सेट है, आप इनको चेंज कर सकते हो, ये क्योंकि ये चाइना से सेट हो कर आए हैं। सेट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको दबाना पड़े, अच्छा यहाँ पर आप इसका हीटिंग एक चार्ट दिया हुआ है, जिससे आप इसको देख सकते हैं कि आपका कितना डिग्री सेल्सियस कितने टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको बढ़ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर का आपको दिया होगा, और यहाँ पर आपका एयर है, मतलब यहाँ हीटिंग है या एयर है, और यहाँ पर ग्राफ आपको बनकर यहाँ पर आएगा। ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है इसकी, और यहाँ से भी एक यहाँ पर आपको चार्ज है, एक टाइप सी दिया है। तो मे भी हो सकता है कि इसमें टाइप सी से कुछ पीसी से भी कनेक्ट हो जाए, और आपको शायद पीसी में भी ये दिखा है, तो हो सकता है। अभी हमने इसको चेक नहीं किया है, अभी हमारे पास पहली बार ही ये SMD आई हुई है। अब ये देखते हैं कि ये SMD कितनी देर में ये अपनी हीटिंग को पकड़ती है। नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका ये जो मैक्सिमम है ये 500D है, और जो कि नॉर्मल 500D होता है, ठीक है। और ये एयर है, तो एयर भी मैक्सिमम 120 होगी अगर हम इसको देखें तो 100 है, चलो ठीक है, एयर 100 है इसकी, तो मैक्सिमम कही होगी 120 तक जाती है। और बस दो ही हैं इसमें नोब। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको 385 पे रखा है, और इसको हमने इसमें पर रखा है, और अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर हीटिंग का बता रहा है, ये एयर का फ्लो बता रहा है। अब ये 394 पे हमको लेकर आ गया यहाँ पर, तो हीटिंग के हिसाब से तो ठीक लग रहा है। अब इसको यूज़ करेंगे कि किस हिसाब से हम इसको, अब जैसे भी आपने सीखा होगा कि आपको 100 पे कब रखना है, आपको एयर 50 पे कब रखनी है, कौन सी एयर से आपको IC निकालनी है, थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे जब हम इसको घुमाते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ लिख कर आया हुआ है, जब भी मैं घुमाते हैं, लॉन्ग प्रेस M1 से M3। जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये अब ये सेट हो चुका है, ठीक है, अब ये मेरा सेट हो गया। अब जैसे मैंने इसको घुमाया, लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये सेट हो जाएगा, तो एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया,
तो काफ़ी आसान है। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, डिटेलिंग लेंगे और देखेंगे कि बेसिकली हम इस मशीन में और क्या एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, टाइप सी का यहाँ पर क्या फंक्शन है। तो और मशीन का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वर्क भी समझेंगे, क्योंकि आईसून जो भी अभी प्रोडक्ट बनाता है सब इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो आपने आईसून के मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे काफ़ी। तो कैसा लगा ये थोड़ा सा टूल का एक्सपीरियंस आप बताइएगा ज़रूर, और आपके पास इनमें से कौन से टूल है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप में किसी को भी एशिया टेलीकॉम में एडमिशन लेना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7000731192। आप देख सकते हैं कि एशिया टेलीकॉम की जो टीम है वो काफ़ी अपडेट है। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं ये सारे टूल या आने वाले नई चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा तो मैं अपने स्टूडेंट को नई नई चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊँगा। अगर मैं एक ही जैसे टूल यूज़ करूँगा, और कभी भी आप देखें आपके टीचर के पास में क्या टूल है, क्या वो अभी भी एक ही दो SMD या अभी भी नॉर्मल टूल लेकर बैठा हुआ है, तो समझिए कि वो काम तो कर रहा है बट वो अभी आने वाले समय के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी आपको देखना है कि आपका जो टीचर है वो अपडेट है कि नहीं है। मैं आपसे सिर्फ दो बात कहूँगा, इस पर मेरी दो बात ज़रूर सुन के जाइए। किसी भी टीचर से पढ़िए, पर ऐसे टीचर से बिल्कुल मत पढ़िए जो सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाता है। अगर आपका टीचर सिर्फ बोर्ड पे आता है, बोर्ड पे पढ़ाता है और चला जाता है, अगर आपका टीचर प्रैक्टिकल कर भी रहा है साथ में, तो ही आप उनके पास जाइए कि वो बोर्ड के पढ़ाने के बाद उसी चीज़ को फ़ोन में भी दिखा रहा है, ठीक है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि अब थोड़ा सा जियो से ऊपर उठ के पढ़िए। अगर जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर जियो के सी से पढ़ाया जा रहा है तो मैं उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ मत पढ़ाओ, अब उसमें पढ़ाओ जितनी आप फीस ले रहे हो, और स्टूडेंट के मोबाइल में नहीं पढ़ा रहे हो तो किसी भी मोबाइल में पढ़ाओ, पर बड़े मोबाइल में। और अभी के पावर सप्लाइयों के बारे में बताइए। और देखिए स्टूडेंट, थ्योरी का जब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हैंड स्किल नहीं बनेगी। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, कितना भी आप सर्किट समझ लें, कितने भी आप लाइनों का नॉलेज ले लें, जब तक आपसे IC निकल के लग नहीं रही है तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से एक IC निकाल के लगा के चले भी जाते हैं और आपने सही अगर आपका मॉनिटरिंग नहीं हो रही आपकी, तो आप 4 में से 2 सेट बिगाड़ेंगे और 2 सेट चालू करेंगे, तो ऐसे में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए एक बार हमें ज़रूर कॉल करें। हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी फ़ीस में खाना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप हमारी फ़ीस को टैली करेंगे दूसरों से तो हमारी फ़ीस 30,000 और लगभग 30-35,000 ही पड़ती है, क्योंकि हमारी फ़ीस में एक महीने का पूरा रहना, एक महीने का पूरा खाना, 2 टाइम जिसमें हम देते हैं बच्चों को, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। हॉस्टल के कन्वीनियंस उनके सब कुछ इंक्लूड रहते हैं, बेड सीट फलाना, क्लीनिंगनेस, सब कुछ यहाँ पर, वाटर पानी, एवरी एंड ईच थिंग। तो ये बात दिमाग में रखना, हमारी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे जहाँ आप ये सोचेंगे कि सर की फ़ीस तो इतनी है, यहाँ तो 30,000 में पढ़ लेते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचना कि वहाँ पर 30,000 के बाद आपको रहने खाने का भी पैसा देना पड़ेगा, जो कि आपको 50,000 तक लेके ही चला जाएगा। तो आप एशिया टेलीकॉम अगर आएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे तो CPU लगाऊंगा और डेली लगवाऊंगा, मतलब आपका हैंड स्किल प्रॉपर करवाऊंगा, और सर्किट में आपको 5G तक के देकर भेजूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इतनी गारंटी अगर आपका कोई टीचर दे सकता है तो ही जाइए। अगर वो ये कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी और हमने 5 साल लग रहा, हमने 10 साल लग रहा, तुम्हें भी रगड़ना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कि बकवास है। चलो, थैंक यू वेरी मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जियो और मस्त जियो और खुश रहो। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं
12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहां बेसिक से एडवांस सिखाया